बड़ी खबर आपको दे दें, अयोध्या विवाद को लेकर आज दिल्ली में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी एक साथ बैठे। वसीम रिजवी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी लोग इसका समाधान नहीं चाहते, इसके लिए उन्हें फंड मिल रहा है, इसके लिए बकायदा मुस्लिम समाज के लोगों को फंड मिल रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। रिजवी ने इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ तक बता दिया। रिजवी ने राम मंदिर बनाने का किया है समर्थन। आपको बता दें, इस मुद्दे पर पहले ही शिया लोग साथ में हैं सरकार के इस फैसले के, राम मंदिर बनने के, लेकिन सुन्नी ऐसा नहीं चाहते और इसी को लेकर यह पूरा विवाद है। कुछ ऐसे तथाकथित मौलवी, मैं खुल के बात कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं, हर जगह कह रहा हूं, वो कभी नहीं चाहते कि ये मामला सॉल्व हो, क्योंकि उनकी इससे फंडिंग हो रही। मैंने कहा था कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत पहले से इन्वॉल्व है। आपको याद होगा 2005 में लश्कर ए तैयबा के मिलिटेंट्स ने अयोध्या राम मंदिर पर हमला किया था, उसमें 5 आतंकवादी मारे गए। जिस वक्त यहां पे 6 दिसंबर वाली घटना हुई तो हिंदुस्तान से ज्यादा बड़े प्रदर्शन पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान में कई मंदिरों को तोड़ा गया। ये बेहद गंभीर आरोप हैं और अगर ये आरोप सच पाए गए तो आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, ये देखना रहेगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन क्या सवाल यही है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान करता है फंडिंग और इसी वजह से राम मंदिर के पक्ष में वो लोग नहीं हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।